बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आ गए हैं दो दिन बाद फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ। तो भाई टाइटल देखकर तो पता लग ही होगा आज की वीडियो हमारी किस बारे में। तो हाँ भाई, लियारी। सबसे पहले बात करते हैं जो लियारी वर्ड है ये निकला कहाँ से। तो भाई लियारी वर्ड निकला है लियार से। लियार एक पौधा होता है कब्रिस्तान में, जो कि कब्रिस्तान में उगता है, उससे निकला है लियार। और मतलब लियार उस पौधे का नाम है और लियार से फिर लियारी। तो लियारी सबसे पहले तो हो गई है इसके नाम की बात। अच्छा तो बात करते हैं लियारी की। तो भाई लियारी का शुमार कराची के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर जो लोग आए वो लियारी में आए। और लियारी सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में मतलब शुरू से जैसे कहा जाता है। तो भाई अब हम जाते हैं थोड़ा पहले और बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन लोग रिहाइश पजीर थे इन 1725 में। सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आए जो रिहाइश पजीर थे, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान तो बना नहीं था, सबसे पहले यहाँ पर जो लोग सेटल हुए रिहाइश पजीर हुए वो थे सिंधी मछेरे और बलोच खाना बदोश लोग, जो कि आए थे इन 1725। अच्छा और फिर जब कराची को इस्टेब्लिश किया गया, जब यहाँ पर ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, सारे गोरों की जब हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बलोच खाना बदोश लोग रिहाइश पजीर हुए और उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर लियारी में रिहाइश पजीर हुई, जो कि आई थी बलूचिस्तान के ईरानी साइड से। लोग ज़्यादातर यहाँ पर लियारी बड़ी तादाद में आए थे। और फिर इन 1886 के अंदर लियारी की आबादी तकरीबन 25,000 थी, जिसमें से मेजॉरिटी मुस्लिम थे, जो के बाद में हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और इस तरह फिर लियारी को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन फिर ब्रिटिशों की जो हुकूमत थी, जो गोरों की जो हुकूमत थी, उनको थोड़ा एहसास हुआ, उन्होंने कहा नहीं यार थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश करना चाहिए। वहाँ पर जितने भी जो ब्रिटिश थे और हिंदू बिजनेसमैन, जितने तजारती लोग जितने भी थे, उन्होंने स्टेप उठाया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है इनको थोड़ा इस्टेब्लिश करें, ना कि इस्टेब्लिशमेंट में और काम किया जाए। तो भाई इन्होंने लियारी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का काम तो करने का सोच लिया और किया भी, लेकिन जिस तरीके से किया, कोई मतलब जैसे कहते हैं ना बेतरतीब तरीके से, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में कि बस यार जो हो रहा है बस करते रहो, बस जैसे जैसे हो रहा है वो करते जाओ। और इसको इस्टेब्लिश करने में जो मटेरियल यूज़ किया गया वो भी इंतहाई का, कोई जैसे कहते हैं थर्ड क्लास क्वालिटी मटेरियल, मतलब बस जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि बस वही कहते हैं ना देमार 4.5 वाला काम, बस किए जाओ वो वाला काम किया उन्होंने। और फिर जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट होती गई और फिर यहाँ की आबादी इन 1941 पहुँच गई तकरीबन 80 से 85 के दरमियान, मतलब 80 से 85 हज़ार के दरमियान यहाँ की आबादी पहुँच गई। और फिर इन 1956 यहाँ की आबादी तकरीबन पहुंच गई 3,60,000 तक। और उसके बाद फिर फर्दर अभी तक और बहुत ज़्यादा, अब तो तकरीबन आप कह लें कि मिलियंस में पहुंच चुकी है। तो भाई ये थी हमारी आज की शॉर्ट सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने आपको लियारी के बारे में जो मेन चीज़ें, सर लियार वर्ड मतलब लियारी वर्ड कहाँ से निकला और जितनी पुरानी स्टोरी जो लियारी में होता आया जो कि मेन था, उसके बाद तो फिर भाई यहाँ पे बहुत कुछ लियारी में होता रहा, बहुत कुछ। तो ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने पॉइंट आउट करके आपके सामने रख दी, मतलब इन शॉर्ट। वरना अगर मैं बात करने बैठा लियारी की तो बहुत लंबा सिनेरियो है कि आपको एक एक चीज़ डिफाइन करने में कि यहाँ पे किसकी हुकूमत आई, फिर क्योंकि पॉलिटिकली भी यहाँ पर बहुत सारे काम हुए, बहुत मतलब आप कह लें कि मतलब क्या आप ये कह लें कि एक वक्त ऐसा भी आया कि कराची के सबसे ख़तरनाक इलाकों में होना इसका शुमार हो गया था, क्योंकि लोग यहाँ पर जाने से भी डरते थे। तो ये थी यहाँ की कुछ मेन पॉइंट्स। इन शॉर्ट मैंने आपको लियारी की थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। और भाई ऐसी और वीडियोज़ किस किस इलाके में, जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको लाजमी बताऊँगा, जिसकी नहीं मिल पाएगी तो फिर उसका सीन फिर ऑफ होगा। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होती है तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़।